हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे पास फिर से पुरानी स्विफ्ट है जिसका रिव्यू हमने लास्ट टाइम किया था, तो हमने उसका ओवरऑल रिव्यू दिया था। आज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या एक्सेसरीज लगी है और इसका कॉस्ट क्या है। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त रोहित, और आप देख रहे हैं रोहित मोटर व्लॉग्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसके जो ओरिजिनल फॉग लैंप्स है वो ख़राब हो चुके थे, तो इसलिए हमने वो रिप्लेस कर दिए। तो ये आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स जो है, ये येलो लाइट है जो कि अराउंड 3000 केल्विन के होते हैं। तो इसका कॉस्ट अगर आप पूछो तो वो आपको समवेयर अराउंड 5-600 में मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आके देखें, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो लाइट है, ये बार लाइट है जो इलीगल है। तो इसका मैं कवर निकाल के आपको बता दूँ कि ये कुछ ऐसे दिखती है। आपको दिख रहा होगा कि ये येलो है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो LEDs है वो वाइट है, जिसका फोकस ठीक ठाक है। जो अभी फ़िलहाल धूप है, तो मैं आपको रात को बता दूंगा कि इसका लाइट्स फोकस कैसा है। ओके, सो इसका कॉस्ट जो है, अगर आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे देखोगे तो समवेयर अराउंड 1300-1400 में ये लाइट आपको मिल जाती है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लाइट शहरों में इलीगल है, क्योंकि ये सीधा जो सामने से आपके जो ड्राइवर्स आते हैं उनके आँखों में लग सकती है, इसलिए मैंने कवर डाल के रखा है। तो प्लीज़ शहरों में इसको यूज़ मत करिए। लेकिन अगर आप कहीं बहुत ही रूरल एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर लाइट्स नहीं हैं और आपको हेडलाइट के साथ एडिशनल लाइट्स की ज़रूरत है, तो आप थोड़े टाइम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शहर में प्लीज़ इसको यूज़ मत करिए क्योंकि ये इलीगल है। चलिए अभी इसके नेक्स्ट एक्सेसरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, ये स्काई शॉप का है और ये आपको अमेज़ॉन में इजीली 2800 से लेके 3000 तक मिल जाएगा। सो अभी नीचे आके देखते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे है। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये छोटा सा यहाँ पर डिवाइस है, जो जैसे आपका एक ये ऐसे निकल जाता है, ठीक है, और ये ऐसे आप इजीली इसको लगा भी सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये FL लिखा है, तो ये फ्रंट लेफ्ट साइड का सेंसर है। वैसे ही ये ऐसे सेंसर्स चारों टायर्स में लगे हुए हैं। आपको एक सवाल मन में आता होगा कि अगर हमने ये ऐसे ही लगाया और ऐसे ही ये निकल भी जाता है, तो फिर इसके सेफ्टी का क्या, कि मतलब ये चोरी नहीं होगा? सो आपको बॉक्स के साथ ये ऐसे कुछ नट्स दिए जाते हैं। तो अगर आप पहला ये नट जो डालना होता है इसमें, फिर सेंसर लगा के इसको रिवर्स आप इसको लॉक कर सकते हैं ताकि ये निकले नहीं, ठीक है। और उसका एक स्पैंडल भी आता है जिससे आप उसको इजीली अनस्क्रू कर सकते हो, लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये कभी कभी ऐसे होता है कि ये फंस भी जाता है। तो इसके बाद आपको ये जो टायर का वाल्व है उसे ही काटना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे निकाल नहीं सकते क्योंकि ये लॉक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका एक डिस्प्ले भी आता है जहाँ पर आपको एग्जैक्ट टायर प्रेशर बताया जाता है, लेकिन वो हम देखेंगे जब हम अंदर जाएंगे। उसके पहले आइए देखते हैं इसके जो पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर जो लगाए गए हैं वो कैसे हैं। सो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ एक छोटे से जो चार चीज़ें हैं, ओके, ये रिवर्स पार्किंग सेंसर है। ये जो भी मैंने गाड़ी ली थी तभी लगा लिए थे, और ये आपको अमेज़ॉन पे समवेयर अराउंड 800-900 में आ जाएंगे, ठीक है। इसका भी एक डिस्प्ले आता है जो कि हम अंदर चल के देखेंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। ओके, सो इसको हम ऑन कर देते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो चार है ये सेंसर्स लगे हुए हैं और इसका ये प्रेशर बता रहा है। तो ये कभी कभी एक दो जो PSI है उसका डिफरेंस बता देता है। सो जैसे आप देख रहे हो, जो हमने सेंसर अभी चेक किया था उसमें 30 PSI है, जो राइट साइड वाला 32, पीछे वाला 30, और जो रियर लेफ्ट वाला है वो 32 है, ठीक है। और ये जो 33, 34, 34, 34 ये टायर का जो टेम्परेचर है फ़िलहाल सेल्सियस में वो बता रहा है, ठीक है। और इसके साथ अगर अब जो हमने सेंसर्स चेक किए थे, अगर मैं इसको रिवर्स में डाल दूँ गाड़ी, तो आप जैसे देख सकते हो कि ये 0.3 बता रहा है, 0.4 हो रहा है, और जैसे जैसे मतलब मेरे फ्रेंड को बोला है कि ये थोड़ा पीछे पीछे चले जाए, तो ये जैसे आप देख रहे हो वो रेंज के बाहर चले गया, तो ये बंद हो गया। तो ये उस तरीके से हेल्प करता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसका म्यूज़िक सिस्टम कैसा है। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये टच स्क्रीन है, ये 9 inches का बेस हॉलिक का म्यूज़िक सिस्टम है, तो जिसमें 2GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी आती है। और इसमें आप अगर यहाँ पर ऐप्स पे क्लिक करो तो यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स आपको दिख जाएंगे, जैसे कि YouTube है,
उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करोगे तो मैप्स देख सकते हो, प्ले स्टोर है तो आप यहाँ से ऑलमोस्ट कोई भी ऐप डाउनलोड करके इस पर यूज़ कर सकते हो। FM रेडियो भी है और इसका टच आप जैसे देख सकते हो कि काफ़ी स्मूथ है। ओके सो ये हो गया इसका टच स्क्रीन। अब जाके देखते हैं कि म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड पीछे क्या क्या डला हुआ है। चलिए पीछे। ओके सो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीट पे कुछ रखा गया है, तो ये सोनी एक्सप्लोर का सब वूफर है 1800 वॉट्स का। सो इसका आवाज़ काफ़ी अच्छा है और ये मुझे मिला था अराउंड 7000 में फ्लिपकार्ट से। ओके इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे वायर्स वगैरह है, लेकिन ये इसका सोनी का 4 चैनल एम्पलीफायर है, क्योंकि अगर आप म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि अच्छी साउंड क्वालिटी मिले तो एम्पलीफायर मुझे पर्सनली लगता है कि ज़रूरी होता है। और 4 चैनल इसलिए क्योंकि मैंने ये गाड़ी में 4 कंपोनेंट्स भी डलवाए हैं। सो ये जो वायर्स है ये भी मैंने ऑनलाइन लिए थे, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे ऑफलाइन कोई भी स्टोर से ले लेना, क्योंकि मैंने जब ये लिए थे तभी इसका एक जो फ्यूज़ था वो काम नहीं कर रहा था, तो मुझे फ्यूज़ जो था मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा कि वो कैसे होता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है। तो मोस्टली इसका 30-40% जो प्राइस होता है वायर्स का वो फ्यूज़ का ही प्राइस होता है। सो इसलिए बाहर से वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ओके सो फिर ये एम्पलीफायर के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कॉम्पोनेंट्स भी है, तो ये जो पिछले 2 डोर्स हैं उसमें सोनी के कॉम्पोनेंट्स डले हैं, तो वो 2 कॉम्पोनेंट स्पीकर्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 सोनी के ट्विटर्स हैं। आगे चलते हैं। ओके सो इसके आगे जो ड्राइवर साइड डोर है और जो पैसेंजर साइड डोर है इसमें फोकल के कंपोनेंट्स डले हैं। और जैसे कि आप अगर इधर ऊपर देखोगे तो ये फोकल के 2 ट्विटर्स भी हैं, ठीक है। सो ये मुझे फोकल के जो स्पीकर्स पड़े थे वो समवेयर अराउंड 8-9000 के पड़े थे फ्लिपकार्ट पे ही, और जो सोनी के थे वो भी समवेयर अराउंड 5-6000 कुछ पड़े थे। तो ओवरऑल आप अगर कैलकुलेट करो तो ये पूरा म्यूज़िक सिस्टम जो है वो समवेयर अराउंड आई डोंट नो मे बी 30-35000 में हो चुका होगा। एक चीज़ और आपको बतानी है कि ये अगर टच स्क्रीन आप डलवा रहे हो, सो जैसे हमने आगे पहले देखा था कि इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर है, लेकिन अगर रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ अगर आप देखोगे तो ये मैंने एक कैमरा भी डलवाया था, तो ये कैमरा साउंड बोस का, इसकी आप क्लैरिटी देख सकते हो, तो ये मतलब काम कर सकता है। तो जो नए ड्राइवर्स हैं जिनको रिवर्स पार्किंग में दिक्कत होती है तो ये कैमरा डलवा के मतलब उस आप पार्किंग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ एक्सेसरीज़ जो मैंने स्विफ्ट में डलवाए हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई करूँ। और बस यही था आज के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे कुछ वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक के लिए देखते रहना रोहित मोटर व्लॉग्स। थैंक यू।